मेरा स्कूल का पहला दिन था और मेरी टीचर ने मुझे 1 घंटे खड़ा करवाया। कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में, कभी सोचा है? यस, मेक का यूज करके आप बोल सकते हो। आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश में जो मेक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप फ्लुएंट नहीं हो सकते, राइट? तो हम देखेंगे इस लेसन में कि मेक के क्या क्या यूज होते हैं एंड सभी टेंसेस में, जितने भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं, वी विल यूज इट। और मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आए। आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो मेक के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, राइट? तो मेक का यूज हम देखते हैं और मेक क्या होता है ये भी हम जानते हैं। मेक कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है आप किसी और को कॉज कर रहे हो, मतलब किसी और को काम करवा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो बट आप किसी और पे कर रहे हो। जैसे मैं किसी को हंसा रही हूँ, किसी को रुला रही हूँ, मैंने उसे लिखाया, मैं उसे रुलाऊंगी, हंसाऊंगी, राइट? तो आप किसी और पे काम कर रहे हो और ये ज्यादातर फोर्सफुली होता है, उसके विलिंगनेस पे नहीं होता है, राइट? मतलब वो नहीं चाहता फिर उसे करना पड़ रहा है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास एंड मेरी टीचर ने मुझे 1 घंटे खड़ा करवाया। तो आप बोलोगे माय टीचर मेड मी स्टैंड फॉर 1 आवर। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे बनाया, राइट? तो हम देख लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर का यूज करके हमने ऐसा बनाया है सेंटेंस। ओके, मेक का स्ट्रक्चर होता है, पहले तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, फिर मेक, उसके बाद जिस पे आप काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आई मेड हिम स्टैंड, मैंने उसे खड़ा करवाया, राइट? माय टीचर मेड मी स्टैंड, आप देख सकते हो किसने करवाया, मेरी टीचर ने, किसे, मुझे, सो शी मेड मी स्टैंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा अगर आपके मुंह पे अभी ये वर्ड नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। अब अगर आपको टेंस की नॉलेज है तभी आप ये पूरा स्ट्रक्चर बना पाओगे, क्योंकि टेंस में हम बोलते हैं कि मैंने बनाया, सो आई मेड, राइट? पास्ट में, पास्ट सिंपल, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब आपको बोलना है मैंने उसे खड़े करवाया, आई मेड हिम स्टैंड, तो इस तरीके से बनेगा ये। अब सपोज आप किसी को रुला रहे हो अभी, ओके, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम मेकिंग हिम क्राई, मेकिंग हिम क्राई, मैं उसे रुला रही हूं। और पूछना है कि क्यों रुला रहे हो, Why are you making him cry? तो अभी क्यों रुला रहे हो, राइट? चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, सिंपल। टेंस की अच्छी नॉलेज है तभी आप मेक का स्ट्रक्चर बना पाओगे। सो टेंस ब्रश अप करना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि मेक भी अच्छे से समझ में आए। मैं लिखना नहीं चाहती थी पर उसने मुझे लिखवाया, आई डिडंट वॉन्ट टू राइट बट शी मेड मी राइट, शी मेड मी राइट, उसने मुझे लिखवाया, मैं लिखना नहीं चाहती थी। अब देख रहे कैसे यूज हो रहा है, हाउ ब्यूटिफुली मेक का यूज हो रहा है, शी मेड मी राइट, आई डिडंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती थी, आई डिडंट वॉन्ट टू प्ले, शी मेड मी प्ले, उसने मुझे खिलवाया, मतलब मजबूर किया कि मैं खेलूं। यू आर सच अ काउच पोटैटो, आई विल मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी एलियन भाषा में बात कर रही हूँ, राइट? बट ये एलियन भाषा नहीं है, ये मेक का यूज है। अब ये है फ्यूचर सिंपल। मैं बोल रही हूँ कि तुम ना काउच पोटैटो हो गए हो, मतलब आलसी हो, काउच पे, सोफे पे बैठ के आप बस टीवी देखते रहते हो, राइट? सो आई विल मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, जितने भी घर के काम है, हाउस होल्ड चोर्स बोला जाता है इसे, प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है। सो मैं करवाऊंगी, सो आई विल मेक यू डू, ओके, फर्स्ट फॉर्म डू, आई विल मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। तो मैं रुलाऊंगी, आई विल मेक यू क्राई, सिंपल। इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, ऐसा ही बनेगा, सिंपल फ्यूचर। क्या आप उनमें से हैं जो दूसरों को खुश कर करके थक चुके हैं, राइट? तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि मैं सबको खुश नहीं कर सकती, आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आई कांट मेक किसको, एवरीवन हैप्पी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है कि सबको खुश नहीं कर सकता, आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी। मैं तुम्हें नहीं रुला सकती, आई कांट मेक यू क्राई। मैं तुम्हें नहीं हंसा सकती, आई कांट मेक यू लाफ। इस तरीके से आप एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। एंड यस, क्या हो अगर वो तुम्हें रुलाए, वॉट इफ ही मेक्स यू क्राई, क्या हो अगर वो तुम्हें हंसाए, वॉट इफ ही मेक्स यू लाफ। वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी स्माइल, मतलब स्माइल और लाफ का डिफरेंस आपको पता होगा, मुस्कुराना और हंसना। तो इस तरीके से आप हमेशा की बातों को भी मेक का यूज करके बोल सकते हैं। वो खाली बैठी रहती है, उससे कुछ काम दो, मेक हर डू सम वर्क। वो खाली बैठी रहती, तुम्हें उससे ना खाना बनवाना चाहिए, डिनर बनवाना चाहिए, यू शुड मेक हिम कुक द डिनर, यू शुड मेक हिम प्रिपेयर द डिनर। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब का भी यूज होगा शुड का, राइट? यू शुड
कुक द डिनर तो आपको बनाना चाहिए, यू शुड मेक हिम कुक द डिनर, उसको उससे बनवाना चाहिए, यू शुड मेक हिम कुक। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा, पहले ही बोला है मैंने, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। एडवाइस दे रहे हो, यू शुड मेक हिम कुक द डिनर, यू शुड मेक हिम वॉश द डिशेस, मतलब आपको बर्तन धुलवाने चाहिए उससे। तो ये था चाहिए मॉडल वर्ब का यूज। जब तुमने कॉल किया ना, तो मैं अपने बेटे को होमवर्क करा रही थी, तो आप करा रहे थे पास्ट में, कंटिन्यू था, यू वर मेकिंग योर सन डू हिज होमवर्क, राइट? तो आप बोलोगे आई वॉज मेकिंग माई सन डू हिज होमवर्क वेन यू कॉल्ड मी, आई वॉज मेकिंग माई सन डू हिज होमवर्क वेन यू कॉल्ड मी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लंबा है, प्रैक्टिस से ही आएगा, राइट? जितनी प्रैक्टिस उतना फ्लुएंट। उसे सोफे पे किसने बिठाया है? मैंने बिठाया उसे सोफे पे, राइट? तो खुद नहीं बैठा, आपने बिठाया है, राइट? यू हैव मेड हिम सिट ऑन द सोफा। उसे सोफे पे किसने बिठाया है? हू हैज मेड हिम सिट। हू मेड हिम सिट, किसने बिठाया? प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज कर सकते हो कि मैंने बिठाया है, अभी भी वो बैठा है, राइट? आई हैव मेड हिम सिट, मैंने बिठाया है। उसे बिठा दो, मेक हिम सिट। ठीक है, तो आप ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो मेक से शुरू कर सकते हो। उसे घर के काम करवाओ, मेक हिम डू द हाउस होल्ड चोर्स। मेक हिम वॉश द क्लोथ्स, उससे कपड़े धुलवाओ, राइट? तो मेक का यूज करके फिर आप ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब जो लास्ट सेंटेंस है वो थोड़ा लॉन्ग है, मैं चाहती हूँ आप लॉन्ग सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करें, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा कैसे बन रहा है। मैं उस तरह के इंसान नहीं हूं जो दूसरों को बिना कारण के रुलाए, ओके? दूसरों को रुलाना। तो आप बोलोगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु मेक्स अदर्स क्राई फॉर नो रीजन, ओके? बिना कारण के, फॉर नो रीजन। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु मेक्स अदर्स क्राई फॉर नो रीजन। हु मेक्स अदर्स क्राई, ओके? मतलब ऐसा इंसान नहीं है जो रुलाता है। रुलाता है मतलब हमेशा की बात बोल रहे हो। सो सिंपल प्रेजेंट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु मेक्स अदर्स क्राई फॉर नो रीजन। मैं दूसरों को नहीं रुलाता, आई डोंट मेक अदर्स क्राई। तो बस स्ट्रक्चर याद रखना है, फिट करना है और प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। बस आपको क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो लगभग जितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं वो मैंने आपको कवर करवाया है, वो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट। अब आपके लिए कुछ 10 सेंटेंसेस हैं, अगर आपको समझ में आया है तो जरूर से इनका ट्रांसलेशन करके कॉमेंट से बताइएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू एंड आई होप दैट दिस एड्स टू योर नॉलेज एंड मेक्स यू फ्लुएंट। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। I'll soon be coming up with the difference between make and get video. So stay tuned and keep watching Letterbitters video. Thank you so much for listening to me.